हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन तिवारी में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आजकल सीरीज़ चला रहे हैं सीजीएल की पोस्ट के बारे में, एक एक करके हम लोग सारी पोस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन को एकदम क्लियर करेंगे कि जिनको नहीं पता होता है कोई भी चीज़ उनको सब कुछ पता चलेगा। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर छोटा छोटा दिख रहा होगा कि सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई। ठीक है, सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई। ठीक है, तो आप मेरा विश्वास मानिए, इस जॉब के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें पता नहीं थी आज तक। ठीक है, क्योंकि आज मैंने पूरा दोपहर लगभग दो घंटे मैंने इस जॉब को दिया है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से मैंने कई चीज़ों को पढ़ा और मुझे अब समझ में, क्योंकि सीबीआई देख के कई लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि यार ये थोड़ी डेंजरस जॉब है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लोग इस चीज़ को दिमाग में रख के इस जॉब के बारे में नहीं सोचते हैं और फिर वो उन चीज़ों को भी नहीं सोचते हैं कि इसके बारे में क्या प्रॉस हैं, क्या कौन से, क्योंकि वो एकदम से उसे किनारे कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ सोच मेरी ऐसी और अभी भी है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं इनस्टेबिलिटी रहती है। तो ये सिंगल सी बात है, देखिए आप सीबीआई में हैं, आपको एकदम से कभी भी बुला लिया जाएगा। ठीक है, बट केवल उस चीज़ को ये सोच के इस जॉब को ना लेना मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि इस जॉब में बहुत सारे पक्ष हैं जो कहीं ना कहीं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से भी ज़्यादा हैं। ठीक है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एक ड्रीम जॉब है अगर आप लोग उस चीज़ में देखें कि उसमें शांति है थोड़ा सा ना, मतलब उसमें सोशल रिस्पेक्ट भी अच्छे लेवल की है। और कहीं ना कहीं सीबीआई में लोग जाने से इसलिए डरते हैं कि वो चाहते हैं ना कि इन सब चीज़ों में जस्ट लाइक टेररिस्ट कहीं आपको उनसे बात करनी होगी, आप कभी ना कभी थोड़ा सा जान का भी वो रहता है थोड़ा बहुत, तो इन सब चीज़ों को सोच कर वो सीबीआई में नहीं जाते हैं और वो सोचते हैं कि इनकम टैक्स ले लें अगर वो टॉप 100 में आ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखिए इसके बारे में एक एक बात करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा और आपको वीडियो अगर पसंद आए, ठीक है, अगर आपको लगे कि मैंने काफ़ी मेहनत करके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपके क्लियर कर दिए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सबसे पहली चीज़ आती है बात कि क्या इसका ग्रेड पे रहता है। ठीक है, तो 4600 ग्रेड पे इस जॉब का, जैसे सभी 4600 ग्रेड पे की जॉब आपको पता है टॉप लेवल की होती है, वैसे ये भी एक जॉब है जो 4600 ग्रेड पे की जॉब है, ग्रुप बी की जॉब है। ठीक है, ग्रुप बी की ये भी जॉब है और अगर हम लोग एज की बात करें तो उसमें 20 से 30 साल रहता है। ठीक है, हम लोग हर चीज़ की बात करेंगे, फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करेंगे जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है इस जॉब के लिए। ठीक है, उसके बाद में देखिए नॉन गस्टेड पोस्ट है, कुछ चीज़ें मैं बोल देता हूँ, हर चीज़ लिखूँगा नहीं, तो ये नॉन गस्टेड पोस्ट है और नॉन यूनिफॉर्म पोस्ट है। इसमें आपको कोई यूनिफॉर्म नहीं मिलेगी, आपका जो मन है आप पहन के जा सकते हो बिंदास। ठीक है, एक्साइज के तरीके इसमें 3 स्टार आपको नहीं मिलेगा, तो आप बिंदास जो आपका मन है पहन के जा सकते हो। और आपको पता है कि इस जॉब में सोशल रिस्पेक्ट बहुत अलग लेवल की होती है। ठीक है, तो ये बात तो आपको ध्यान में रखनी ही है। बात करें अगर हम लोग ट्रेनिंग की, ठीक है, हम लोग हर चीज़ की बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं स्टार्टिंग में ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ तो मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आज। ठीक है, देखिए बात अगर मैं करूँ ट्रेनिंग की तो ट्रेनिंग आपकी देखिए कहाँ पर होती है, ट्रेनिंग आपकी होती है गाजियाबाद, सीबीआई एकेडमी है जो कि गाजियाबाद में है, वहाँ पे आपकी 32 से 33 वीक्स की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, आप लोग ये देख रहे हो कि कितने लंबे ड्यूरेशन के लिए आपकी ट्रेनिंग होती है, इसका मतलब है कि आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। और जो भी मैंने वीडियोस देखे हैं, जो भी मैंने पढ़ा कोरा पे, तो वहाँ पे मैंने देखा है कि जिसने भी इसका रिव्यू दिया है तो सभी ने बोला है कि ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा एक तरीके से टाइम पीरियड होता है जो आपको हमेशा याद रहेगा। इतनी अच्छी एक तरीके से ट्रेनिंग पीरियड होता है जो आपको अपने पूरी लाइफ में याद रहेगा। आपको एक मतलब जो आप इंसान होगे ट्रेनिंग के पहले और ट्रेनिंग के बाद में जो आप इंसान होगे, अपने आप को फुल 100% चेंज पाओगे। ठीक है, एक अच्छे लीडर की तरीके आप सोच पाओगे क्योंकि इस ट्रेनिंग में आपको बहुत कुछ सिखाया जाता है। ठीक है, तो जब आप ट्रेनिंग के बारे में पढ़ोगे तो आप इस जॉब को लेकर और इंटरेस्ट आपके अंदर पैदा होगा। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर सब कुछ नहीं बता सकता हूँ और ट्रेनिंग के बारे में, बट आपको अगर इसमें थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है मेरी बातों में तो आप ज़रूर जाइएगा यूट्यूब पर जो या फिर कोरा पर जहाँ पर ब्लॉग्स वगैरह लोग लिखते हैं, तो वहाँ पर आप देखिएगा जाके कि इस ट्रेनिंग में क्या क्या होता है और आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा होगा इस जॉब को लेकर। ठीक है, उसके अलावा देखिए आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो दो फेज़ में होती है, फेज़ 1 और फेज़ 2 में होती है। जो पहले फेज़ की ट्रेनिंग होती है वो 22 वीक्स की होती है, उसमें आपको क्लासरूम ट्रेनिंग मतलब आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो आपके फेज़ 2 की ट्रेनिंग होती है 10 से 11 वीक की होती है, इसमें आपको एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है, वेपन्स को यूज़ करना सिखाया जाता है BSF CISF के सेंटर्स पर जाके, और रूरल और अर्बन जो आपके स्टेशन अटैचमेंट मतलब आप स्टेशन में किस तरीके से काम होता है, क्योंकि आपको पता है कि CBI का जैसे हम लोग मूवीज़ या कोई भी सीरीज़ देखते रहते हैं नेटफ्लिक्स
नेटफ्लिक्स हो या अमेज़न हो, तो वहाँ पे आप लोग देखते हो कि सीबीआई किस तरीके से काम करती है, सीबीआई ऑफिसर किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो सेम वही चीज़ है, ठीक है। आपको हर चीज़ सिखाई जाएगी, आपको पढ़ाया भी जाएगा, आपको किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है, किस तरीके से केसेस को हैंडल करना है, किस तरीके से किसी आतंकवादी से कुछ राज उगलवाने हैं या कहीं पे छापा मारना है, रेड्स मारनी है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और आप जब इसके बारे में डीपली पढ़ोगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। और अगर आपको इस एरिया में इंटरेस्ट है, मैं सबसे पहले यही बोलूँगा कि जैसे आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको इतना ज़्यादा नहीं चाहिए कि आपको इतना ज़्यादा सोशल रिस्पेक्ट नहीं चाहिए कि आप सीबीआई इंस्पेक्टर बनो फिर उसके बाद में आप इन सब चीज़ों को हैंडल करो, और तो उसमें आप नहीं जा सकते हो। उसके लिए अलग जॉब्स हैं, सीजन में बहुत सारी जॉब्स हैं। बट अगर आपके अंदर इंटरेस्ट आता है उन चीज़ों को देख के कि आपको भी एक दिन ये करना है, आपको भी जाँच करनी है, किसी केस को हैंडल करना है और किस तरीके से लोग क्राइम करते हैं, क्राइम सीन पर जाके किस तरीके से आपको चीज़ें समझनी है, तो वो सब चीज़ें अगर आपके अंदर हैं तो आप उस चीज़ में जा सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए 57 पोस्ट आपको दिख रही होगी, तो पोस्ट बिल्कुल लिमिटेड हैं और लिमिटेड लोग ही उसमें जाते हैं जिनको इसमें इंटरेस्ट है। मैंने खुद अभी देखा था कि टॉप 100 में एक बंदा था, टॉप 100 में, और उसने सीबीआई का एसआई ये वाली पोस्ट ली थी। तो आप समझ सकते हो कि जिनके अंदर पैशन होता है किसी जॉब को लेके, वही लोग इस जॉब को लेते हैं, ठीक है। तो बाकी लोग इनकम टैक्स और एमईए में जा सकते हैं, सीएसएस में जा सकते हैं, और जिनके अंदर पैशन होता है इस जॉब को लेके कि मुझे सीबीआई में ही जाना है, तो वो लोग इस जॉब में आते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए, जब ये आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो 7 डिवीजन्स मिलते हैं, और वो मैं आपको दिखाऊंगा कि 7 डिवीजन्स कौन से होते हैं। ये डिवीजन्स होते हैं 7, और देखिए ये आपके ऊपर नहीं होता कि आपको उसमें से कौन सा डिवीज़न लेना है। आफ्टर ट्रेनिंग, जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, तो इसमें से आपको कोई भी डिवीज़न उठा के दे दिया जाता है। तो एंटी करप्शन डिवीज़न में, क्योंकि ये डिवीज़न सबसे ज़्यादा इसमें काम होता है सीबीआई में करप्शन को लेके, तो इसमें सुनने में ऐसा आया है कि 80% लगभग जो पोस्टिंग होती है वो आपको इसमें दी जाती है। उसके अलावा आपकी स्किल के हिसाब से या आपके सीनियर्स के हिसाब से आपको बाकी किसी भी डिवीज़न में दिया अलॉट किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, हम लोग बात करते हैं, एक एक करके हम लोग बात करेंगे। उसके अलावा पोस्टिंग की अगर हम लोग बात करें कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी रहती है। तो 50% जो आपकी पोस्टिंग है, ठीक है, 50% जो आपकी पोस्टिंग है वो दिल्ली हेडक्वार्टर आपको मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि हेडक्वार्टर में अब 57 वैकेंसी है, केवल सोचिए तो सिंपल सी बात है, 20 से 25 से 30 वैकेंसीज आपको दिल्ली हेडक्वार्टर में मिल सकती हैं। बाकी जोनल वैकेंसीज भी होती हैं, मतलब मुंबई, चेन्नई, जोन वाइज भी आपको वैकेंसीज मिल सकती हैं। रीजनल ऑफिसेज जो होते हैं सीबीआई के, वहाँ पे भी आपको वैकेंसीज मिल सकती हैं। तो हो सकता है वो नंबर के हिसाब से होता है, कट ऑफ से आपके ज़्यादा नंबर हो तो आपको दिल्ली मिल जाए, और अगर आपके आसपास नंबर है तो आपको अपना जोन मिल जाए या कोई अलग स्टेट का जोन मिल जाए, ठीक है। अब देखिए, इसमें बात करते हैं कि डेस्क जॉब भी होता है इसमें और फील्ड जॉब भी होता है, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको डेस्क जॉब, फील्ड जॉब, तो जैसा कि मैंने अभी आपको डिवीजन्स बताए, तो कुछ डिवीजन्स ऐसे होते हैं जहां पे केवल डेस्क जॉब होता है, और कुछ डिवीज़न ऐसे होते हैं जहां पे डेस्क जॉब भी होता है और फील्ड जॉब भी होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बाद की चीज़ें हैं, पहले तो आपको जॉब को लेकर पैशन होना चाहिए। जब आप उस जॉब में घुसोगे तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ें पता चलेंगी, कैसे ट्रेनिंग हो रही है, क्या उसके बाद में होता है, तो वो सारी बाद की चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपका माइंड मेकअप होना चाहिए किस तरीके से कि जॉब में क्या क्या है, ठीक है, और आपको सीबीआई में जाना है और आपको किस तरीके से वो काम करते हैं ये समझना है, ठीक है। क्या आपका काम रहता है, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, ये देखिए आपका वर्क प्रोफाइल है, और आप इसमें देखिए फर्स्ट नंबर में क्या लिखा है, सपोर्ट सीनियर्स इन इन्वेस्टिगेशन, मतलब जो आपके सीनियर्स हैं, जो इंस्पेक्टर हैं, क्योंकि आप सब इंस्पेक्टर हैं, तो आप अपने सीनियर्स को क्या करोगे, सपोर्ट करोगे। कैच एब्सकॉन्डिंग क्रिमिनल्स, जो भाग जाते हैं क्रिमिनल्स, ठीक है, उनको पकड़ना है, किस तरीके से पकड़ना है, ठीक है। तो ये सब सोच जो आपकी है या जो आपका आपको लगता है किस तरीके का माइंड आप यूज़ कर सकते हो, अपने सीनियर्स को किस तरीके से आप सपोर्ट करते हो, ये सब बहुत मैटर करता है, ठीक है। और स्क्रिप्टनाइज डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स को कैसे पढ़ना है, क्या क्या उसमें से इन्फॉर्मेशन आपको निकालनी है, ठीक है। आप देखते रहते होगे सीरीज़ वगैरह है, मूवीज़ वगैरह देखते होगे, और सीबीआई किस तरीके से काम करती है, तो लगभग लगभग वही चीज़ें हैं, ठीक है। रेट्स मारनी है आपको, अटेंड जॉइंट सरप्राइज चेक ऑफ एनी डिपार्टमेंट, मतलब किसी डिपार्टमेंट जो करप्शन होता है डिपार्टमेंट्स में, आप कहीं पर भी रेड मार सकते हो, ठीक है। इंटेरोगेशन करना, मतलब किसी भी चोर को पकड़ के या बड़ा क्रिमिनल है कोई, उसको पकड़ कैसे उसको इंटेरोगेट करना है, कैसे आपको इन्फॉर्मेशन को बाहर निकालना है, किस तरीके से मैनिपुलेट करके उसको, तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। तो आप समझ सकते हो कि अगर आप उस तरीके से सोचते हो तो ये जॉब उन लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। सीक्रेट वेरिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल, किसी भी बंदे को फॉलो कर सकते हो, चाहे वो अपना बंदा हो या डिपार्टमेंट का कोई
पर्सन हो या बाहर कोई पर्सन हो, आपसे कहा जाएगा कि उसको फॉलो करना है तो उसको फॉलो करना, जैसा कि मूवीज़ में दिखाया भी जाता है, कंप्लेंट वेरिफिकेशन बाय गोइंग टू द फील्ड एंड चेकिंग जेन्युइननेस ऑफ द कंप्लेंट, मतलब कंप्लेंट जो किसी ने करी है वो कितनी जेन्युइन है उसको बाहर जाके चेक करना। तो काफ़ी आप समझ सकते हो लगभग लगभग वही काम है जो मैं बता रहा हूँ इतनी देर से, ठीक है। अब देखिए प्रमोशन एस्पेक्ट की हम लोग बात करें तो सबसे पहले आप बनते हो सब इंस्पेक्टर, ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ है, उसको हम लोग पहले बात कर लेते हैं। पर्क्स की बात करेंगे इसके बाद में, ठीक है। सब इस और पर्क्स इस जॉब के सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है, और इस जॉब की सबसे ज़्यादा सैलरी है, इसको भी आपको समझना होगा। सबसे ज़्यादा सैलरी इस जॉब की, इवन डबल ओ से भी ज़्यादा है इसकी सैलरी, क्योंकि इसमें जो आपको एक्स्ट्रा पर्क्स मिलते हैं, एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं, इसी वजह से इसकी जॉब, इसकी जो सैलरी है वो ज़्यादा है। सबसे पहले आप सब इंस्पेक्टर बनते हो, आफ्टर 5 to 6 ईयर्स आप इंस्पेक्टर बन जाते हो, आफ्टर 7 to 8 ईयर्स आप डिप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट बन जाते हो, जो कि गस्टेड रैंक है। जो आप देख रहे हो कि यहाँ गस्टेड रैंक काफ़ी देर में मिल रही है, बट आप समझ सकते हो कि SI जो CBI में है उसकी भी बहुत रिस्पेक्ट होती है, ठीक है। आप इवन पर्सनल फ़ायदे भी कुछ होते हैं जो अपने एक तरीके से निजी स्तर पर आपके कुछ फ़ायदे होते हैं, वो भी आप इस जॉब के थ्रू निकलवा सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है, क्योंकि आप CBI में हो तो आप समझ सकते हो कि आप कुछ भी करवा सकते हो, ठीक है। तो मतलब अपने स्तर पर ऐसा नहीं, कुछ भी करवाने का मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा कुछ भी करवा दोगे, बट फिर भी अपने अच्छे लेवल तक आप काफ़ी चीज़ें करवा सकते हो, ठीक है, आप CBI में हो, ठीक है। तो डिप्यूटी आप सुप्रिंटेंडेंट बन जाते हो, उसके बाद 5 to 6 ईयर्स एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट बन जाते हो, आफ्टर 4 to 5 ईयर्स सुप्रिंटेंडेंट बन जाते हो, और आफ्टर 4 to 5 ईयर्स आप सीनियर सुप्रिंटेंडेंट बन जाते हो। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि अच्छे खासे प्रमोशंस भी हैं और कम समय में, ठीक है, कम समय में प्रमोशंस हैं, तो यहाँ पर आपका एक अच्छा ग्रोथ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये तो ग्रोथ की बात हो गई, जब लगोगे उसके बाद ये बातें होती हैं, बट आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए कि होता क्या है। देखिए पर्क्स की बात लोग बात करते हैं, तो पर्क्स की अगर मैं बात करूं, देखिए तो क्या क्या इसमें फ़ायदा है, जैसा कि लिखा हुआ है हाई सैलरी, ठीक है। तो हाई सैलरी क्यों है इसमें, ठीक है, हाई सैलरी के रीजंस देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एक तो आपको 13 महीने की सैलरी मिलती है, 12 की जगह 13 महीने की सैलरी मिलती है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें मैंने वही बताया कि इनस्टेबिलिटी है, मतलब क्या है कि कोई मान लीजिए आप किसी अच्छे केस पर काम कर रहे हो तो आपको हो सकता है कि आप सैटरडे और संडे भी खाली ना हो, ठीक है, और आप देखते भी हो, यही मैं हमेशा बार बार बोल रहा हूँ मूवीज़, क्योंकि आप उसको रिलेट कर पाओगे वहाँ से, ठीक है, कि कभी भी बुला लेते हैं क्योंकि आप एक अच्छे केस पे काम कर रहे हो, सकता है आपको एकदम से कोई इन्फो मिले या आपके सीनियर्स को कोई इन्फो मिले और आपको उस पर बात करने के लिए आपको तुरंत बुला लिया जाए। तो टाइम इसमें थोड़ा सा देखिए ऊपर नीचे रहता है, तो सिंपल सी बात है कि जहाँ पे आपको एक बहुत ऊपर लेवल पे आपको पर्क्स मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्स भी होंगे, ठीक है। तो सैटरडे संडे आपको कभी भी बुला लेते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि आपको एक महीने की एक्स्ट्रा सैलरी दे रखी है, और इसी वजह से क्योंकि आपको कभी भी बुला लेते हैं तो एक महीने की एक्स्ट्रा सैलरी, और सैलरी ज़्यादा है, इवन 70 प्लस है ये मान के चलिए, जितना मैंने अभी तक समझा है कम से कम 75 के अप्रॉक्स आपकी सैलरी बनती होगी, और आप थोड़ा बहुत ऊपर भी बचा सकते हो क्योंकि आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं, ट्रैवल अलाउंस मिलता है। तो अगर आप नॉर्मल चीज़ों से ट्रैवल करते हो, किसी ऑटो से निकल जाओ, रिक्शा से निकल जाओ, तो हो सकता है कि आप 5 से 8 हज़ार रुपये महीने में केवल ट्रैवल अलाउंस बचा सकते हो अगर आप किसी केस पर काम कर रहे हो पर्टिकुलर, ठीक है। आपके ट्रेन के टिकट तुरंत बुक हो जाते हैं, आपका प्लेन का टिकट तुरंत बुक हो जाता है, आपको होटल्स तुरंत मिल जाते हैं, तो ये सारे पर्क्स हैं इस जॉब के, क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर केस पे काम कर रहे हो तो गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट आपके ऊपर रहता है, ठीक है। तो 13 महीने की सैलरी इसमें मिलती है, एक इसमें स्पेशल अलाउंस मिलता है। अब 75,000 सैलरी कैसे पहुंच जाती है, तो उसका एक सिंपल सा ये रीजन है कि आपको स्पेशल अलाउंस मिलता है जो कि आपका क्या होता है 20% ऑफ बेसिक पे होता है। तो बेसिक पे आपको पता है 44,900 होता है, ठीक है, या 45,500 होता है अप्रॉक्स 4,600 ग्रेड पे का, तो उसका 20% आपको मिलता है, स्पेशल अलाउंस होता है जो कि आपको मिलता है। बाकी मैंने बताया ट्रैवल अलाउंस नहीं बचा सकते हो, बाकी फ़ोन और किराया वगैरह सब कुछ आपको मिलता है बिंदास, ठीक है। तो आपकी सैलरी अप्रॉक्स 75 के आसपास होगी, और जो उसमें होंगे इवन वो ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। तो इसकी सैलरी बाकी जॉब से बहुत ऊपर है, और पर्क्स भी आप समझ रहे हो कि इनकम टैक्स से लगभग टच कर रहा है, और सोशल रिस्पेक्ट में भी ये इनकम टैक्स को टच कर रहा है, ठीक है, इवन उससे ज़्यादा ही है, ठीक है। तो पावर भी है, पावर तो होगी, आप CBI में हो, सिंपल सी बात है। सोशल रिस्पेक्ट में भी कोई कमी नहीं है, आप किसी को भी बता दो, किसी भी मिडिल क्लास से लेके हायर क्लास को बता दो मैं CBI में इंस्पेक्टर हूँ, तो उसकी ये देखी कि आपको थोड़ी सी एक तरीके से डर जाएगा आदमी कि आप CBI में हो, ठीक है। एक्सेस टू करेक्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब आप किसी भी हद तक आप इन्फॉर्मेशन को निकलवा सकते हो, ठीक है, आपका एक्सेस होता है किसी भी इन्फॉर्मेशन तक। और मीटिंग डिफरेंट पीपल हाई रैंक्स ऑफिशियल्स, मतलब आप CBI में हो तो आपको पता है आप किसी भी बड़े लेवल तक आप लोगों से कॉन्टैक्ट होता है आपका, ठीक है, और वो लगभग SSC की सभी जॉब्स में होता है, लेकिन जब आप CBI में होते हो तो थोड़ा अलग लेवल पर होता है, ठीक है।
बाकी लेवल में इतना नहीं होता है, क्योंकि आप इंस्पेक्टर होते हो इनकम टैक्स में, बट कहीं ना कहीं आप उस लेवल पे चीज़ें नहीं कर सकते हो, क्योंकि वेपन्स नहीं होते हैं और कहीं ना कहीं टेररिज्म होता है और बाकी भी रेड्स होती हैं और पुलिस स्टेशन में आपका आना जाना होता है, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा आपका थोड़ा सा रिस्पेक्ट होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक थोड़ा सा कमी क्या है कि आपको ट्रेनिंग के दौरान जो आपकी 32 वीक की मतलब लगभग 9 महीने की जो आपकी ट्रेनिंग होती है उसमें आपको एचआरए नहीं मिलता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको अगर एचआरए ट्रेनिंग पीरियड में नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी जगह पर होती है, आपको बढ़िया बढ़िया मस्त खाने को मिलेगा, मस्त आपकी ट्रेनिंग होगी, तो आप इतना समझ सकते हो कि चलिए एचआरए नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, इसके अलावा देखिए क्या है, आपको रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, क्योंकि जब आप सीबीआई में काम कर रहे हो तो अगर आप बहुत अच्छा कोई केस सॉल्व कर दोगे तो आपको इसमें रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, मेडल्स भी मिलते हैं, और वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं चीज़ों के लिए, तो वो आप अपना कोरा पर सर्च कर सकते हो और आप नेट पर भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, कॉन्स में देखिए, और अगर मैं बताऊँ तो इंस्टेबिलिटी में बता रखा है कि इंस्टेबिलिटी है लाइफ में, ठीक है, लाइफ में थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी है। उसके अलावा कभी भी आपको बुला लिया जाएगा, आपको स्टेट पीसीएस या आईएएस के लिए टाइम नहीं मिलेगा, या आपको पैशन को फॉलो करने के लिए उतना समय नहीं मिलेगा जितना सीएसएस में मिल सकता है, या इनकम टैक्स में अगर डेस्क जॉब है तो भी मिल सकता है, या अदर जॉब्स जो हैं जो डेस्क जॉब हैं रेलवे में ऐसो, या आपका AFHQ में ऐसो, तो इनमें आपको टाइम मिलता है, बट इसमें इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है, बट ऐसा कहा जाता है नॉर्मली कि इसमें आपको उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है सीबीआई में। ठीक है, बट इंटरेस्टिंग जॉब है, सीधी सी बात है, जिसको उस फील्ड में इंटरेस्ट है वो इस जॉब में जाए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन था कि मैं ब्लड को नहीं देख सकता हूँ, तो अब सिंपल सी बात है यार, फिर क्वेश्चन ही किस बात का हुआ कि अगर आप ब्लड को नहीं देख सकते तो आप सीबीआई में क्यों जाओगे। ठीक है, तो उसके लिए आपके लिए अदर जॉब से आप इतने नंबर लेकर आओगे, तो आप डेस्क जॉब कोई भी ले लो, आप किसी भी फील्ड में ASO बन जाओ, ठीक है, वहाँ पे आपका क्लरिकल जॉब होगा और आपको ब्लड को नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी कई क्वेश्चन देखे आते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड की हम लोग बात करेंगे, उसके बाद में हम लोग डाउट्स की बात करेंगे कि क्या क्या लोगों के डाउट्स आते हैं। तो आप लोग देख रहे हो कि किसी भी जॉब को लेने से पहले जब आप मन बनाते हो तो आपको सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना चाहिए, उसके बाद में जब आप उस चीज़ को टच कर पा रहे हो तब आपको फिजिकल स्टैंडर्ड भी देखना चाहिए इस जॉब का। ठीक है, तो फिजिकल स्टैंडर्ड इतना टफ नहीं है, बट आपको थोड़ी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि आपकी जो हाइट है वो 165 होनी चाहिए मैन के लिए और वूमेन के लिए 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, और अगर आप हिल्स मैन है या ट्राइबल्स में रहते हैं तो 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपको पता है 165 इतनी ज़्यादा नहीं है, बट अगर आपकी 164 या 164.5 है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, और वुमेंस के लिए 150 है। चेस्ट भी देखिए, लड़कों के लिए 76 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन है, और एक्सपेंशन की कोई लिमिट नहीं, जैसा कि आपको पता है आर्मी वगैरह में होता है कि 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है, तो यहाँ पे 76 सेंटीमीटर आपका जितना भी फूलता हो 3-4, बट आपका 76 होना चाहिए, और वुमेंस के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है फीमेल के लिए। ठीक है, अगर हम लोग विज़न की बात करें तो आई साइट, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एक पाठशाला में भैया थे जिनका SI में हुआ था CBI में, तो वो चश्मा लगाते थे, तो मुझे भी लगा कि यार CBI में हुआ है, इंस्पेक्टर में सब इंस्पेक्टर में तो चश्मा कैसे लगा लेते हैं, तो यहाँ पे चीज़ क्लियर कर रखी है कि आई साइट आपकी विद और विदाउट ग्लासेस, मतलब अगर आप चश्मा लगा लेते हो ठीक है उसके बाद भी आपको साफ दिखना चाहिए, बस उनको इससे मतलब है कि आपको साफ दिखना चाहिए। आपने चाहे लेज़र करवा रखा हो, ठीक है, जैसे क्वेश्चन आता है क्या मैंने लेज़र करवाया है, क्या मैं एलिजिबल हूँ, तो वही बात है, मैंने बोला कि आपको केवल दिखना चाहिए। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर चश्मा लगा के भी आपको कम दिखता है या कुछ ऐसा प्रॉब्लम है आपका बचपन से जो आपको मतलब चश्मा लगा के बिना चश्मा के दिखता नहीं है कोई चीज़, तो देखिए प्रॉब्लम है, बट अगर आपका चश्मा लगा के आपको ये आपका विज़न आ रहा है तो इतना बिल्कुल आप परफेक्ट हो CBI इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर के लिए। ठीक है, और बाकी नियर विज़न वगैरह ये रहा, और इतना ज़्यादा इसमें हार्ड मेडिकल नहीं है बिल्कुल भी, जैसे फ्लैट फुट का आता है तो वो भी लोग एलिजिबल हैं, इसमें आपको दौड़ना भी नहीं है, साइकिलिंग भी नहीं है, तो टैटूज़ अगर आपके हैं तो भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, तो वही चीज़ है कि इसमें आप लगभग हर चीज़ के लिए एलिजिबल हो, ठीक है, कहीं से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो मुझे लगता है पर्सनली कि मैंने बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए हैं, इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, तो मुझे पर्सनली लगता है बाकी Tier 1 Tier 2 Tier 3 Tier, और एक चीज़ और देखिए इसमें CPT नहीं होता है। ठीक है, इसमें CPT नहीं होता है जैसा कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है। ठीक है, देखिए इस जगह पर लिखा हुआ है NA, यहाँ पर NA का मतलब क्या होता है कि इसमें CPT नहीं है, तो आपके अगर अच्छे मार्क्स हैं और आप सीधे DV भी दे आते हो जाकर तो भी आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो। बाकी फिजिकल स्टैंडर्ड मैंने बता रखा है। कलर ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए 2019 का मैंने देखिए यहाँ से निकाला है, ये यहाँ पर सुटेबल लिखा हुआ है, इसका मतलब कलर ब्लाइंड स्टूडेंट जो हैं वो भी इसके लिए सुटेबल है। तो पूरा आपने अगर ये वीडियो देखा है तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, उम्मीद करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, बाकी वीडियोज़ को भी जाकर देखें, प्लेलिस्ट में जाकर बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना रखे हैं मैंने, डिस्क्रिप्टिव के लिए बना रखा है, टाइपिंग के लिए बना रखा है, सीजल की कुछ पोस्ट के लिए बना रखा है, डेली आ भी रहा है, मैथ्स के वीडियोज़ भी मैंने बना रखे हैं, तो आप सभी वीडियोज़ को देखें जाके, मोटिवेशनल वीडियोज़ भी पड़े हुए हैं,
किसी भी टाइप का मोटिवेशन चाहिए हो तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, और वहाँ पे मैंने डाउट्स भी क्लियर किए हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।